ମରିଗଲେ କରିଲେ ସେମାନେ ଖରାପ ହେଲେ ସେଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭଲ ଲାଗିବନି ଗାଁ ଯଦି ମରିଯାଇଛି କରିଲେ ସେମାନେ ଖରାପ ହେଲେ महाप्रभु गण सब कथित कवन आए लोक एक ज्ञान ही एक ब्रह्म ज्ञान जो जीव ब्रह्म ज्ञान
जो व्यक्ति चाहते हैं लास्ट में अपना सत्ता को आत्मा को परमात्मा को मिला दे। ये जो ज्ञान है इसको पूरा छोड़ना पड़ेगा, इसको द्वारा प्रभु नहीं मिलते हैं। कभी यहाँ तक भी भैया तत्व ज्ञान को भी त्याग देने के लिए कहते हैं, अगर तत्व ज्ञान को त्याग देने शास्त्र कहता है बिना ज्ञान के जीव को मुक्ति नहीं मिलती। आप कहते तत्व ज्ञान को त्याग दो, फिर क्या करना पड़ेगा? बोले सन्मुख रीत अनुभव दीवा, कहते जो भक्तों की मुखारविंद से आपकी जो कथा रूपी मंदाकिनी की नदी बहती है वो कथा में गोता लगाते रहो। हर समय भक्तों की मुखारविंद से जो कथा रूपी मंदाकिनी उसी में गोता लगाते रहो। गोता लगाते लगाते क्या होगा? धीरे 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 सब कथा अपना क्योंकि कथा को द्वारा ही जीव को ज्ञान प्राप्त होता है, भक्ति जीव का ज्ञान मिलता है। इसलिए भगवान इसलिए कपिल देव कहते वाले माँ सतांग प्रसंगात मम वीर ये संगीत हो भवन के हित कर्ण रसायन। तो क्या करो, अगर संसार से पार होना चाहते हो मेरे भक्तों के मुखारविंद से मेरी जो वीरजवती जो कथा होती है वो कथा रूपी मंदाकिनी में गोता लगाओ। वो कथा कैसे? बोले रसायन। रसायन मतलब क्या है? रसायन एक दवा होता है, हैं, 10 तरह का आयुर्वेदिक मेडिसिन से उसको पीने से खाने से शरीर का सारी बीमारी खत्म हो जाती है और शरीर को बड़ी हेल्थ देती है। कहते भगवान की कथा सुनने से क्या होगा? तुमको हृदय करना, हृदय मतलब हृदय और कान मतलब कान। कहते ये दोनों को रस देने वाले भगवान की कथा दोनों को, हृदय को भी रस देता है और कान को भी, दोनों को ही रस प्रदान करता है। इसलिए यहाँ पर कहते भवदीय वार्ता। क्या करो? भगव भक्तों की मुखारविंद से भवदीय मतलब आप और अपना भक्त, किसकी कथा सुननी चाहिए? भक्त भगवान, क्योंकि भगवान की कोई कथा सुनाओ ना, भक्त के बगैर भगवान ही, और भगवान के बगैर कोई भक्त ही है। भक्तों को लेकर भगवान और भगवान को लेकर के भक्त। इसलिए क्या करो? भवदीय वार्ताम, बोले कैसे कथा सुननी चाहिए? बोले स्थानीय स्थिता, मतलब भगवान तुम्हें जिस स्थिति में रखे उसी स्थिति में रहकर करना। क्योंकि कहते ना अरे भजन करने का भी समय नहीं आया, अरे बेटा बेटी को शादी वादी दे करके जब जब पूरा रिटायर्ड लाइफ हो जाएगा ना, कोई काम नहीं रहेगा, फिर तो माला लेकर दिन भर भजन करेंगे, दिन भर भजन करेंगे। भैया ये काम अभी तो कोई निपटा नहीं पाया, कोई निपटा नहीं पाया, जितना कोशिश करते माया से निकली ना उतना ही ज़्यादा माया, इसलिए संसार में ज़्यादा ही ज़्यादा माया में फंस जाते हैं। इसलिए जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में रहकर भजन करो। और स्थानीय स्थित दूसरा अर्थ क्या, कहाँ पर रह कर भजन करें? तो कहते ही जहाँ पर भगवान की भक्त की मुखारविंद से आपकी कथा रूपी मंदाकिनी की नदी बहती वहीं पर। ज़्यादा इधर उधर डोलो मत, मना दिया, जितना घूमोगे इधर उधर मन उतना चंचल होगा, आज वहाँ गए कल वहाँ जानी चाहिए परसों वहाँ जानी चाहिए, मन ज़्यादा घूमेगा। इसे कहाँ रहे? बोले जहाँ पर। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ये मन तू तीर्थ सतारत, सब संग तीर्थ घूमे तीर्थ घूम गई नहीं, जथा साधु तथा तीर्थ। तीर्थ कहाँ पर? जहाँ पर साधु है। स्थिर कर निज चित, चित्त को स्थिर करो और क्या करो? साधु संग करो निरंतर, साधु संग करो है, साधु संग करो निरंतर। बोले जे स्थान वैष्णव नाही से स्थान ते नाही जाई, किला भाटिया दूरदेश, यहाँ पर वैष्णव का संग नहीं मिलेगा, वहाँ जाने का कोई जरूरत नहीं, कोई चल चल करके कोई जाने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए जथा साधु तथा तीर्थ, साधु तीर्थ कहाँ पर है? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जे खाने हरि कथा से खाने तीर्थ, तीर्थ तो वहीं पर है जहाँ पर हरि कथा। इसलिए हरि कथा में डूबे रहो हैं, इधर उधर ज़्यादा मत भटको। इसलिए बोले गिरी तथा गोवर्धन, बोले गिरिराज गोवर्धन कहाँ पर? बोले भूमि तथा वृंदावन, बोले कहाँ वृंदावन कहाँ गोवर्धन? बोले जहाँ भक्त वृंद, जहाँ पर तुम्हारी कथा रूपी नदी बहती है उसमें गोता लगाते रहो हैं। इसलिए बोले स्थानीय स्थित
कहाँ पर रहे? भक्तों की चरण में है। श्रुति गतांग, इसलिए क्या करो, अपना कानों को धरो, उनकी कथा सुनो। कहते हुए क्या करो, तन बांग मनोदी, कथा कैसे सुननी चाहिए, बोले तीन चीज को करो, तन मन है और तन मन श्रुति तन तन मन और शरीर से कथा सुना। इसलिए कहते हुए कथा तो कानों से सुनते हैं, आप तो कह रहे हो कथा तन से सुने शरीर से सुने, तो मतलब क्या है? बोले पहले जाकर की जहाँ कथा होती है सबसे पहले प्रणाम करो, कथा सुनने वाले को प्रणाम करो, हैं कथा बोलने वालों को प्रणाम करो, स्थली को प्रणाम करो, वहाँ धूल लगा करके वहाँ पर बैठो। इसलिए बोले मन कथा कैसे सुननी चाहिए, बोले मन से। अगर मन नहीं होगा भले ही यहाँ बैठे हो, अगर मन अगर घर की याद कर रहा है और कोई याद कर रहे हैं, कर बोले भैया क्या सुना, बोले तो सुनी तो यहाँ बैठा हुआ था, बोले मैंने मन और देखा, मेरे मन और देखा। इसलिए कथा किससे सुनने का है, तन बांग मनोदी, बोले वाणी को द्वारा कथा सुनो, बोले मतलब जो कथा सुना दूसरों को भी कथा सुनाओ। अगर ऐसे करेंगे ना, जो भगवान अजीत है, अजीत मतलब जिनको पाना बड़ा कठिन है, तो भगवान भी वशीभूत हो जाते हैं, उनको भी प्राप्त कर लेते हैं। कैसे, बोले केवल भक्त संग और हरिकथा। इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ जी को ठाकुर कहते हैं भगवत प्राप्ति जो किए हैं पूर्व पूर्व आचार्य जी, कैसे बोले भक्ति को द्वारा उन्होंने भगवत प्राप्ति, हाँ भक्ति को द्वारा। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान गीता में बताए चार चीज है, अगर मेरे को कोई भक्ति पूर्वक देते हैं मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। बोले चार चीज क्या है, बोले पत्रम पुष्पम फलम स्वयं, ये चार चीज, पत्रम पत्ता फल फूल और जल। अगर मेरे कोई भक्ति पूर्वक अगर कोई दे दे मैं उसे ही स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन हमें भक्ति पूर्वक दे। बोले पत्ता किसने दिया, बोले विदुर ने, भगवान को कहते ना दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घरे खाए, भगवान विदुर घर में साग था। पत्रम पुष्पम, बोले फूल किसने दिया, बोले हाथी ने, एक कमल फूल लेकर भगवान को चढ़ा दिया, बास भगवान वैकुंठ से चक्र पे भेज करके मगरमच्छ को काट दिया। पत्रम पुष्पम फलम, फल किसने दिया, बोले सबरी ने, बोले बहुत विध स्वाद बताई सबसे ऊँची प्रेम सर, बोले सबरी तेरी आज झूठे बैर में जो स्वाद होता ना, वैकुंठ में लक्ष्मी हमको छापान भोग 36 व्यंजन देते हैं उसमें भी इतना आनंद हमें नहीं है। तोयम, तोयम मतलब होता है पानी, पानी किसने दिया, पानी किसने दिया, श्री अद्वैत आचार्य ने गंगा जल और तुलसी पत्ता देकर के भगवान को आह्वान किया तो भगवान वैकुंठ छोड़ कर गया। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं भैया ये ज्ञानी लोग अरे ये भक्ति छोड़ कर इधर उधर क्यों जाते हैं। इसको प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद श्रवणम, कहते ये नौ तरह का जो भक्ति है अगर एक भक्ति नौ तरह का छोड़ दो, अगर एक भक्ति अंग कोई जाचन करके उसको भगवत प्राप्त हो जाता, श्रवण से परिचित महाराज कीर्तन से हैं कभी बया से गुरुदेव गोस्वामी, स्मरण से प्रहलाद महाराज, पाद सेवन से लक्ष्मी, अर्चन से पृथु महाराज, बंधन से अर्गुरु और सख्य से अर्जुन, आत्मनिवेदन से बलि और सख्य से अर्जुन हैं कभी दास्य से हनुमान, यदि इन लोगों ने केवल एक एक भक्ति का अंग जाचन किया उससे ही भगवत प्राप्त। मतलब है जो भक्ति पूर्वक अगर कोई एक भक्ति का अंग जाचन करो उससे भगवान मिल जाए। लेकिन तो भैया भक्ति इतने सरल मार्ग है, फिर लोग ही भक्ति मार्ग को छोड़ कर इधर उधर क्यों भटकते हैं, आज कर्म कोई ज्ञान कोई योग कोई भोग कभी सब बेकूफ लोग। इसलिए कहते ज्ञान प्रयास मुझे पास,
जो ज्ञान का संपूर्ण प्रयास को त्याग करके भगवत भक्ति को द्वारा ही भगवान की भजन करो, भगवान उसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं भक्ति को, पहले लोग भक्ति करते थे, लोग कहते हैं भाई भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, पूरा दुनिया कहते भक्ति करो भक्ति करो। पहले तो भक्ति थी, लेकिन ये भक्ति को रस रूप किसने प्रदान किया? बोले श्री गुरु गोविंद सिंह। इसलिए उन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम भक्ति रसामृत सिंधु, इसमें भक्ति रस की समुद्र है। भक्ति भक्ति करो, लेकिन उन्होंने बताए भक्ति भी है, लेकिन भक्ति पांच तरह का भक्ति है, शांत भक्ति, दास्य भक्ति, सख्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति और मधुर भक्ति है। भगवान को पांच तरह का भक्ति को उपासना होता है, पर उन्हें एक एक एग्जाम्पल देकर उन्हें समझाए कौन सा भक्ति कैसे होता है, सख्य भक्ति में क्या लक्षण है, वात्सल्य भक्ति में क्या लक्षण है, श्रृंगार रस में क्या लक्षण है। और श्रृंगार रस में भी वहाँ पर तदीयता मध्यता तृत स्नेह मधु स्नेह है, उसमें साधारण रति सामंजस्य समर्थ रति, ये सब चीज को उन्होंने जो बताया ना, उसको पहले ये सब बात किसी ने बताया नहीं। हाँ भक्ति करो सब कहे भक्ति करो भक्ति करो, लेकिन भक्ति में भी तारतम्य, और श्रेष्ठ भक्ति कौन सा भक्ति है, है? भक्ति की जो तारतम्य उन्होंने बताया कितने तरह का सखियाँ हैं, है? तटस्थ विपक्ष सुरुपक्ष है, उसमें जो स्वपक्ष की तरह तरह का जो उन्होंने बताया ये कौन कहते, जो भक्ति में जो तरह तरह का जो विश्लेषण है ना, ये सब चीज को किसने दिया श्री उपो गोस्वामी ने दिया। और रस कैसे मिलेगा, रस को सामग्री किया जैसे पानी, ये तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर उसमें थोड़ा मिश्री डाल दो और नींबू डाल दो, कर्पूर डाल दो और क्या गुलाब जल, क्या बोलते हैं गुलाब जल, गुलाब जल डाल दो और भी सुंदर। उसी तरह भक्ति भक्ति तो है, लेकिन भक्ति रस कैसे बनेगा, इसलिए उन्होंने ये सब चीज़ को उन्होंने बताए, रस बनेगा तो भक्ति बनेगी, रस कैसे भक्ति बनेगी, उन्होंने ये सब बात उन्होंने बताया अद्भुत रूप में, उन्होंने सब चीज़ को विवेचना किया। इसलिए कहते जम कल रूप शरीर न धारत तम ब्रज प्रेम महानिधि कपाट कौन पर। अगर रूप गोस्वामी नहीं होते तो ब्रज प्रेम की जो कपाट, कपाट मतलब जो दरवाजा वो कौन खोलता, खोलता ही नहीं। इसलिए हाँ, इसलिए श्री रूप गोस्वामी गुरुदेव कहते हैं विशेष करके दो ग्रंथों निकाले अद्भुत, एक तो भक्ति रसामृत सिंधु और एक उज्जवल निर्मल, अद्भुत अद्भुत ग्रंथों उन्होंने ये दो ग्रंथों को उन्होंने निकाले हैं। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ तो सब भक्तों के लिए, लेकिन जो उज्जवल निर्मल जो ग्रंथ केवल वो श्रृंगार रस की उपासक के लिए, और उसमें जो उन्होंने भेद दिखाया भक्ति की अद्भुत, और उन्होंने जो भक्ति का जो डेफिनेशन दिया क्या दिया, अन्या विजा सीता सुनम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति किसको कहेंगे हैं, उसका जो उन्होंने डेफिनेशन दिया अद्भुत रूप में, बोले कृष्णानुशीलनम, इसलिए कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, जो कृष्ण को जो रोचमाना प्रकृति, कृष्ण को जो अच्छा लगे, फिर उससे भी पता अव्याप्ति अतिव्याप्ति, अगर बोले कृष्ण को जो अच्छा लगे वही भक्ति। फिर मात कृष्ण जब चारणों मुष्टि को साथ में लड़ रहे थे युद्ध, कृष्ण तो बड़े खुश हो रहे थे, बोले उसको तो भक्ति बोलनी चाहिए। मैया जसोदा कृष्ण को गोद से उतार करके दूध रक्षा करने के लिए चली गई, कृष्ण रो रहे हैं, बोले इसको तो भक्ति मत कहा। फिर उन्होंने अव्याप्ति अतिव्याप्ति ये सब जो उन्होंने बताया अद्भुत अद्भुत रूप में, इसलिए कहते भक्ति को जो रसरूपता प्रदान किया किसी ने, श्री रूप गोस्वामी ने किया। अगर इसलिए जिनके लिए कहते श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापित जैन भूतले स्वयं रूप कदा मयम ददा की सुनता, श्रीमन महाप्रभु का जो मन की जो इच्छा को जगत में जिन्होंने स्थापन किया, स्थापन करते हुए अद्भुत अद्भुत जिन्होंने ग्रंथ रचना की है, ग्रंथ रचना करके जैसे उनकी उपदेशामृत ग्रंथ अद्भुत ग्रंथ, उसका नाम ही उपदेशामृत, उपदेश रूपी अमृत वो ग्रंथ है। एकदम साधारण साधक से लेकर के हैं धीरे 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 उन्हें एकदम कहाँ तक उन्हें पहुँचा है, उन
ने ब्रज भक्ति और राधा कृष्ण श्याम कटा राधा कृष्ण के प्रेम भक्ति को दिखाया। इसलिए कहते हैं अगर रूप गोस्वामी नहीं होते तो जगत में भक्ति को कोई रस रूप नहीं होते। इसलिए हम लोग सबके सब श्री रूप गोस्वामी के चरणों को वंदना करते हैं। बोले श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। पिताई गौर बच्चा।